बुधवार को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज भाजपा लोकसभा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इससे पहले उनके समर्थन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल थीम पार्क में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। सभी कार्यक्रमों को सफल करने को लेकर राज्य मंत्री कृष्ण बेदी, विधायक सुभाष सुधा, डॉक्टर पवन सैनी और भाजपा पदाधिकारी की जिम्मेवारी रही। जनसभा और रोड शो में लोगों का उत्साह बहुत देखने को मिला। घोषित कर दिए हैं और एक नॉमिनेशन 18 तारीख को हो गया था, कल 5 नॉमिनेशन हमारे 19 तारीख को हुए हैं और आज 3 नॉमिनेशन है, जिसमें अभी कुरुक्षेत्र का नॉमिनेशन हो रहा है, इसके बाद मैं करनाल जा रहा हूँ, करनाल का नॉमिनेशन हो रहा है और कल हिसार का भी नॉमिनेशन हो रहा है। वैसे 9 नॉमिनेशन आज तक हो जाएंगे, 1 नॉमिनेशन 22 तारीख को रोहतक का होगा। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के नॉमिनेशन 22 तक हो जाएंगे और विडंबना यह है कि दूसरी पार्टियां ऐसी हैं जिनके भी सभी कैंडिडेट भी घोषित नहीं हुए हैं, इसलिए कैंडिडेट की मशक्कत में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से कैंडिडेट अपने घोषित करें ताकि ये जो चुनावी युद्ध है ये और रुचिकर बन जाए, जल्दी से घोषित करें। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।